बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल रोल, जिसमें मैंने दो शिमला मिर्च ली है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, आधी कटोरी मटर की ली है जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, और दो मिर्चें ली है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और एक टमाटर लिया है, दो गाजर ली है जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया है, और हाफ गोभी ली है बंद गोभी जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया है। चाट मसाला लिया 1 टीस्पून, नमक लिया 1/2 टीस्पून, धड़ा मिर्च साबत लिया 4, जीरा लिया 1/2 टीस्पून, एंड काली मिर्च का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। गाजर अब इसमें शामिल करेंगे। मटर, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। चाट मसाला, नमक, जीरा, काली मिर्च और जो साबुत धड़ा मिर्च है उसे ऐसे पीस लेंगे। और इसे भी शामिल कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। अब हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे। इसकी चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। लिड में मिक्सचर डालेंगे। साइडों पे थोड़ा पानी और लगाएंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। एक और रोल बना लेंगे। इसके चारों तरफ भी पानी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। लिड में मिक्सचर डालेंगे। अब हमारे रोल तैयार हो गए हैं। अब हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें हम रोल शामिल करेंगे। Thank you.
अब हमारे रोल फ्राई हो गए, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसमें और रोल शामिल करेंगे। इन्हें लाइट फ्राई करेंगे। अब इनकी दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे। अब हमारी दूसरी साइड भी फ्राई हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे वेजिटेबल रोल तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट में बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिल सके।